नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप का ये खास साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें किताबों की बात होती है, किताबों को लिखने वालों की बात होती है। कार्यक्रम जिसका नाम है किताब वाला, और किताब वाला के इस एपिसोड में आज की किताब है बागी बलिया, जिसे लिखा है मेरे दोस्त ललन टॉप के दोस्त और कमाल के राइटर सत्य व्यास ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य व्यास। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कोई कहानी पढ़ ली और उसके किरदार रफीक और संजय बार बार याद आते रहे। आपके जेहन में इस शानदार उपन्यास बागी बलिया का प्लॉट कब आया, कैसे आया, क्या था दिमाग में? सौरभ, अगर आपको याद हो तो 1-1.5 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था लल्लन टॉप के लिए। जी हाँ, जिसमें एक जिसका उन्वान आप लोगों ने दिया था कि वोट ऐसे मांगना है जैसे चचा मर गए हों, वोट विक्स लगा के आंख में ऐसे मांगना है जैसे चचा मर गए हों। जी, बेसिकली वो हमारे तरफ का जो पूर्वांचल के छात्र संघ के जो इलेक्शन होते हैं वो वहाँ से आया था। वहाँ पे होता क्या है कि छात्र संघ के इलेक्शन के लिए जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो तरह तरह के कर्तव्य करते हैं। उसमें एक कर्तव्य ये भी होता है कि वो अपने पॉकेट में विक्स लगे रखते हैं और आंख में लगा के रोने लगते हैं वोट के लिए। ठीक है कि मेरा, मैंने घर जो है वो गिरवी रख दिया है, खेत गिरवी रख दिया है, अगर आप वोट नहीं देंगे, मैं नहीं जीतूंगा तो मैं खेत नहीं छोड़वा पाऊंगा। तो वो एक बात थी जहां से मेरे जहन में एक बात थी कि मुझे छात्र संघ की कहानी लिखनी है और छात्र संघ का वो पहलू लिखना है जो दिखाया नहीं गया। छात्र संघ के पहलू में हमेशा डार्क साइड की बात की जाती है कि क्या क्या चीज़ें की जाती हैं एक इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन एक जो किरदार होता है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वो उसके पीछे बहुत सारे कॉमिक चीज़ें भी चलती रहती हैं, वो ध्यान में रख के मैंने लिखा। दूसरी बात ये थी कि जो मैंने इसमें लिखा है कि संजय और रफीक दोस्त हैं, हिंदू और मुसलमान हैं। जी, चौंकिए मत, ये इतनी भी अनहोनी बात नहीं है। दिक्कत ये है कि आज के परिवेश में ना ये बड़ी अनहोनी बात हो गई है कि एक हिंदू लड़का और एक मुसलमान लड़का दोस्त हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप मीडिया एंड ऑल दैट से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आराम से लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म कहीं आड़े नहीं आता। तो यही दोनों पॉइंट्स थे जिसको ध्यान में रखकर मैंने ये किताब लिखी। इसमें एक बहुत ही हॉन्टिंग सीन है जो बहुत परेशान करता है, आप समझ गए होंगे शायद वो कौन सा सीन है। हमारे सामने कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें लड़का और लड़की प्रेम कर रहे हैं, उनकी कंसेंट से या कई बार उनकी मर्जी के बिना वीडियो शूट होते हैं, फिर वो वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं, हम उन्हें अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, कोई भेज देता है या किसी साइट पर। हम एक बार भी नहीं सोचते कि जिनका ये वीडियो शूट किया गया है, अभी बिहार का वो कांड सबके सामने आया जहां नालंदा का था मेरे ख्याल से, पहाड़ियों पे शूट हुआ, कुछ लड़के ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कि जिनका ये वीडियो है उन पर क्या बीत रही होगी। संजय की बहन और रफीक की भी बहन, उस पर जब ये बीतती है तो बिल्कुल हिल जाता है, मन खिन्न सा हो जाता है, बड़ी बेबसी सी महसूस होती है। ये सायास था आपके दिमाग में कि आपको अपने कंटेम्प्रेरी बहुत सारी थीम्स को लाना है, या नेचुरली फ्लो में आ गया? नहीं, बिल्कुल नेचुरल फ्लो में नहीं था, ये ध्यान में था कि मैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे वीडियोज हैं, कुछ वीडियोज घूमते फिरते मेरे पास भी आए होंगे, मैंने भी देखे होंगे, आप सबों ने देखे होंगे। देखने के बाद दिक्कत ये होती है कि लेखक सोचता ये है कि इसमें जिसका वीडियो है उस पर क्या गुजर रही होगी। अगर हम उसके क्या कहते हैं जूते में पैर रख के देखते हैं तब ध्यान आता है कि अभी वो किस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहा होगा या गुजर रही होगी। वहाँ ये बात आ जाती है कि आप जो भी किरदार है वो अभी क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। अल्टीमेटली होता यह है कि छोटे शहरों में जहाँ इन सब चीज़ों को बहुत तूल दिया जाता है, वहाँ पर बातें बहुत बढ़ा के और बहुत घुमा के बताई जाती हैं। वहाँ स्थिति यही हो जाती है कि जैसे ये जो बात थी, ये बलिया की सत्य घटना पर ही आधारित है, सत्य घटना पर आधारित है बिल्कुल। तो वहाँ भी स्थिति यही थी कि लड़की को अंततः जो है वो आत्महत्या करनी पड़ी, तरीका अलग था, कारण यही थे। बड़ी यंत्रणा होती है लिखते समय, जैसा आपने बताया, पढ़ते समय जो दिक्कतें पाठक को आती है, लिखते समय उसी से लेखक भी गुजरता है। 3 या 4 बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे कलम रुक गई होगी, मैंने छोड़ा उसे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मुझे इस बात को बताना ही है,
तो आगे बढ़ा और ये बात देखा। हम तमाम जिंदगी ये तहजीब सीखते हैं कि किसी का कत्ल करना गैर कानूनी भी है और गलत भी है, लेकिन जब बागी बलिया की आखिरी में जितनी मिस्ड कॉल थी ज्योति की उतनी दफा छुरा चलता है तो कलेजे को ठंडक मिलती है, पता नहीं क्यों। होता ही है जैसे आपने कहा, ये बड़ा अद्भुत उपन्यास है, आप लोगों को खोज के पढ़ना चाहिए और पसंद आए तो दूसरों को बताना चाहिए। मुझे पसंद आया इसलिए मैं इसकी गुणगान कर रहा हूँ, बहुत छू गया भीतर जी। किसी भी स्थिति में कोई भी कत्लबाजी नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी स्थिति में जो भी रहा हो। मगर चूंकि एक ड्रामेटिक कहानी एडेप्टेशन है जहाँ पे एक भाई है जिसको इस बात की चिंता है कि लड़की ने जिसकी वजह से आत्महत्या की उसको मरने से पहले उसने 19 कॉल किए थे और उसने फोन नहीं उठाया था। जब वो वहाँ रुकता है तो उसके जहन में यही बात आती है कि अगर उस लड़के ने एक दफे भी फोन उठा लिया होता तो शायद वो लड़की अपने भाइयों को गाली देते हुए कम से कम जिंदा तो रह लेती। वो मर गई और उसका बदला जब वो लेता है तो उतनी ही दफा ही वो वार करता है। ये एक ड्रामेटिक एडेप्टेशन है जिसको उसी तरह लिया जाना चाहिए। पढ़ने वालों को अगर अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कत्ल जो है किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। एक हुनर आपके पास है, वैसे तो कई हैं पर एक है जो बहुत लोग जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, साहब हमारे पास कहानी है, अभी वरुण बैठे थे तो एक भाई साहब बोले कि मेरे पास एक कहानी है जो एवेंजर्स को भी पछाड़ देगी। जी, सत्य व्यास की कहानियों पर फिल्म बन रही है, सीरीज बन रही है, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये फिल्मों और वेब सीरीज तक कैसे पहुंचा जाए, उसका तरीका क्या होता है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि जो मुंबई है जहाँ फिल्में बनती हैं वो आपकी कहानियों को लेकर बहुत चूजी होते हैं क्योंकि वो उस पर अपना पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले तो उनका विश्वास होना चाहिए आपकी कहानी पर कि हाँ, इस कहानी का एडेप्टेशन हम करेंगे तो हम अपनी पूंजी निकाल लेंगे, पहली बात। ये यहीं पे आपका लेखन आता है कि आप किस तरह का लेखन करते हैं। दूसरी बात जो है कि हम पहुँचे कैसे, तो आजकल जो है ना वो बहुत खुल गया है। पहले एक बड़ा, जैसे हम लोग जब हमारे जो 90 की बात कर रहे हैं तो बड़ा सोच ही थी कि मुंबई तक कैसे पहुंचा जाए या कहां से हमें वो वे मिलेगा पहुंचने का। आज ऐसा नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं अपने फेसबुक पर ही लिख रहे हैं तो अगर अच्छा लिख रहे हैं तो आपको पता है कि कोई ना कोई देख रहा है आपको, नजर पड़ जाती है। आपको पता नहीं है, देखने वाले ने आपको देख लिया है और कहीं ना कहीं रिकमेंड कर दिया है। होता ये भी है मुंबई के बारे में, सौरभ ने बताया था मुझे 2 साल पहले जब मैं नहीं जानता था। अब मैं वही बात मतलब आप लोगों को बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किताब किसी मुंबई के क्रिएटिव डायरेक्टर ने उठाई, उसने पसंद कर ली तो वो बना देगा, नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर उसे पसंद आ गई है और वो नहीं बना पा रहा है तो किसी दूसरे को रिकमेंड कर देता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी कहानी में बात है तो वो वहाँ तक बात पहुँच जाती है। बहुत सारे इसी फेसबुक पे, इसी इंस्टा पे, इसी ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे जो आप पे नज़र रख रहे हैं, केवल संयम रखने की बात है। सबसे ज़रूरी है अच्छा लिखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा लिखना। ये तो किताबों की बात हो गई सत्यव्यास, किताबें आप लिखते हैं, छपती हैं, हम पढ़ते हैं। हमने सुना है कि अब आप ऑडियो अवतार में भी अवतरित हो गई हैं आपकी किताबें। हाँ सौरभ, ऐसा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बढ़ रहा है ना और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम उससे अछूते रह नहीं सकते और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किताबें जो है ना वो समय मांगती हैं। मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ, जो किताबें समय मांगती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि किताबें पढ़ी जाती थी ट्रेन के जर्नी जब हम कर रहे हैं या घर में बैठे छुट्टी होता है, तो आजकल की स्थिति ये है कि किताबें हाथ में कम और मोबाइल ज़्यादा हो गया, तो मोबाइल को ही हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करने का सोचा। उसमें स्टोरीटेल है जहाँ से ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आप अपनी किताबें दे सकते हैं। स्टोरीटेल को अगर आपकी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वो उसे डिजिटली बिल्कुल बुक के रूप में पेश करता है। एक या दो जितने भी किरदार हैं वो आपकी किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बिल्कुल हूबहू उसी तरह किताबों को ऑडियो रूप में। मतलब अगर मेरे पास वक्त की कमी है, जो कि मेरे पास नहीं है, बहुत टाइम है अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, लेकिन अगर किसी के पास वक्त की कमी है, कोई बहुत ड्राइव कर रहा है, तो स्टोरी टेल पे सत्यव्यास की नॉवेल उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध है, वहाँ पढ़ा है। 84 मेरी किताब उपलब्ध है। एक किताब, एक कहानी जो है एक्सक्लूसिवली मैंने लिखी थी शिशिर की गर्लफ्रेंड,
वो स्टोरी टेल पे उपलब्ध है, बाकी राइटर्स की भी किताबें उपलब्ध है। स्टोरी टेल पे बहुत सारी किताबें, मुझे लगता है 50,000 से ऊपर आप में किताबें उपलब्ध हैं, आप ढूंढें और उसको पढ़ें। 2 से 3 घंटे में वो किताबें खत्म हो जाती हैं। जितने देर में आप मेट्रो में जर्नी करते हैं आने और जाने में, आप एक किताब पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है किताबों के। आपने वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर किसको सुना है? मैंने 2 किताबें सुनी है, एक तो नीलोत्पल की किताब डार्क हाउस सुनी है मैंने, और एक प्रेमचंद की कहानी मैंने सुनी थी गोदान। अच्छा, प्रेमचंद की गोदान उपन्यास उपलब्ध, बिल्कुल उपन्यास वहाँ उपलब्ध है, दोनों मैंने सुनी थी। एक्चुअली उसका वो मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर आप 50,000 बुक्स जो है आपके लिए अवेलेबल होती है। और सारी किताबें एक्चुअली वो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पढ़ते समय भी वो उसको इस तरह पढ़ते हैं कि आप फील करते जाते हैं चीज़ों को। अगर आप वहाँ हॉरर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल, आपको लगता है कि आप उस कमरे में हैं जहाँ की बात हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिजिटल पर सक्रिय रहना और अपनी राइटिंग के सैंपल्स पोस्ट करना कितना जरूरी है राइटर की ब्रांडिंग के लिए? सत्य व्यास, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप आज का समय ऐसा हो गया है ना कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर रह नहीं सकते। अगर आपको सस्टेन करना है यहाँ पे लेखन में भी, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो मजबूरी है। मजबूरी इसलिए भी कि आपको अपनी कहानियाँ दिखानी है, आप लोगों के लिए भी है। अगर आप लिखते हैं, आपको लगता है कि आपकी कहानियाँ सुनी जानी चाहिए, तो ज़रूर पोस्ट करें। और स्टोरी टेल आप सब लोगों को, अगर आप देखेंगे तो फेसबुक पे भी मिल जाएगा, आप टैग करें उनकी अपनी कहानियाँ, उन्हें अच्छी लगेंगी तो वो बिल्कुल आपसे अप्रोच करेंगे। बागी बलिया के लिए किसी डायरेक्टर ने अप्रोच किया भी? इनफैक्ट 2 डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया है। एक तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अप्रोच किया है, नाम बताना यहाँ शायद नहीं बिल्कुल, मैं पूछूंगा भी नहीं। तो उन्होंने अप्रोच किया है। एक दूसरे डायरेक्टर हैं जो अभी इंडिविजुअली अब खुद प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं फिल्म, तो उन दोनों ने अप्रोच किया है। मुझे लगता है कि किसी एक से बात करनी चाहिए। आखिरी 2 सवाल सत्य व्यास। पहला सवाल ये कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास कुछ कहानियाँ होती हैं जिन्हें वो सुनाना चाहते हैं, सुना भी देते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, लिखते नहीं हैं बैठ के तसल्ली से, आप लगातार लिख रहे हैं, फॉर्मूला, इज देयर एनी फॉर्मूला? नहीं, लेखन का और सतत लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आप दूध गर्म करके बॉर्नवीटा का दूध बना के फिर बैठ के बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ड्राइव करते समय 2-1 लाइन अगर आती है तो मैं रुक के लिख लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन आइडियाज कुछ नहीं आए, लेकिन मैंने पहले भी कहा है मैं लिखता रोज हूँ। टाइम जरूरी नहीं है कौन सा टाइम है, 1 लाइन भी अगर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, इसलिए कि ये रूटीन रहनी चाहिए। पाठक जी ने, मुझे लगता है आप ही के प्रोग्राम में पिछली दफा एक बात कही थी सुरेंद्र मोहन पाठक जी, कि लेखन जो है ना वो कोई लग्जरी नहीं है, ठीक है, वो पैशन है। अगर आप लिखते हैं तो वो रूटीन में होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए रोज 1 लाइन 2 लाइन, एक पैराग्राफ 10,000 1,000 शब्द 2,000 शब्द, लेकिन आप उसको रोज लिखिए, तभी ऐसा हो पाएगा कि आप सतत लेखन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किताबें आती रहें, आप लिखते रहें, तो कंटिन्यूस लिखना जरूरी है, लगातार लिखना, मेहनत से लिखना। आखिरी सवाल सत्य व्यास का, अगला उपन्यास कब आएगा? कब आएगा ये सवाल खूब पूछा जाता है ना, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ लिया। कौन सी आएगा? मैं कब आएगा नहीं पूछूंगा, किस थीम पर आएगा। हाँ, वो मैं बताना चाहूंगा। आज सवेरे भी किसी ने पूछा कि आप एक ही चीज तरह की चीजें नॉन फिक्शन लिखने फिक्शन लिखते जा रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं? तो बड़ा फर्टाइल समय चल रहा है मेरा, मुझे लगता है कि मैं 3-4 किताबें एक साथ लिख रहा हूँ। उसमें एक मीना कुमारी की बायोग्राफी है जिसका रिसर्च मेरा पूरा हो चुका है और मुझे लगता है कि मेरा ठीक ठाक, माशाल्लाह आपकी उम्र ठीक ठाक लग रही है। मतलब मीना कुमारी तो नहीं, वो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ कि एक दिन गिन रहा था, एक ग्रुप है तो किसी ने मुझे बताया कि आप मीना कुमारी के 5वें सबसे बड़े फैन हैं, तो मैंने मान लिया उसको, ले लिया कि मैं टाइटल ले लिया कि पहले चार हैं फेसबुक पे जिनको ये तक पता है कि पृथ्वीराज कपूर किस दिन मीना जी को देखने हॉस्पिटल में गए थे और कहा क्या था, उनसे यहाँ तक पता है कि अब वो 2 लोगों की बात है और इतने कॉन्फिडेंटली वो बताते हैं कि आप बोल नहीं सकते कि आप गलत बोल रहे हैं। वो प्रूफ दे देंगे कि पृथ्वीराज जी ने ये बोला था, पृथ्वीराज कपूर को मीना कुमारी पापा बुलाती थी, ये मुझे उन्हीं से पता चला। अच्छा, तो इस तरह तो मीना कुमारी की बायोग्राफी लिख रहा हूँ। एक किताब लिख रहा हूँ पापा नहीं मानेंगे, जो बड़ा कॉमन सा वो है, इस पर लिख रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे उसका क्या होगा, ठीक है। वो लिख रहा हूँ,
पिछली दफा भी एक बात बताई थी मैंने, वो अभी तक हो नहीं पाया। जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा हैं, मेरठ थे, मेरठ के बहुत बड़े उपन्यासकार रहे थे। उन्होंने 40 सालों में 450 उपन्यास लिखे थे। आप समझ सकते हैं हर 15 दिन पे एक उपन्यास। वो नॉवेल के समीर थे। वो नॉवेल के समीर थे। उनकी बायोग्राफी बड़ी मस्त है, अच्छी है इनफैक्ट, इसलिए भी कि मेरठ जैसे शहर को उन्होंने पब्लिकेशन हब बना दिया था अकेले दम पर। उनके रहते रहते 70 प्रकाशक वहां पे थे केवल उनकी किताबें छापने के लिए। क्या बात। वो दो नॉन फिक्शन लिख रहा हूँ, एक फिक्शन है। एक नूरबाई की स्टोरी है, नूरबाई और मोहम्मद शाह रंगीला का प्रेम प्रसंग चला था, जिसके बारे में बहुत कम ज्ञात है। और अगर आप वो जैसे ही आप लिखेंगे संजय लीला भंसाली फिल्म अनाउंस कर देंगे आपके आमीन आमीन तो बस यही है, 3-4 किताबें लिख रहा हूँ। तुमको डर नहीं लगता जैसे तुमने अपने 4 प्लॉट यहाँ बता दिए सार्वजनिक रूप से? मैं बता रहा हूँ इसलिए डर नहीं लगता कि जितना रिसर्च मीना कुमारी पे मेरा है ना, आप अभी नहीं कर पाए होंगे, मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। जितना रिसर्च जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा पे मेरा है, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा, नहीं कर पाएंगे। आप नहीं मानेंगे कि स्टोरी मैंने बताई नहीं आपको, तो आप वो वहाँ से नहीं उठा पाएंगे। और कॉपीराइट वो जो है ना, वो नाम मैंने करा लिया, तो डर नहीं लगता। सत्य व्यास मेरे दोस्त, ऐसे ही लिखते रहो और हर किताब पिछली किताब से बेहतर होती रहे। बागी बलिया, जिसे छापा है हिंद युग्म ने, 150 रुपये कीमत है इसकी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी टेल पर भी आपकी ये नॉवेल जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो, ताकि जो ऑडियो फॉर्म में आपकी किताबें सुनना चाहते हैं या दूसरे ऑथर्स की, वो उस प्लेटफॉर्म पर जाके सुन सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया।